तो अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एक बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन परचेज करना चाहते हैं जिसके अंदर इनबिल्ट हीटर यानी कि गर्म पानी वाला ऑप्शन मिले, तो आज का ये मेरा वीडियो आप कंसीडर कर सकते हैं। एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर अगर आपको इनबिल्ट हीटर का फीचर मिल जाता है तो गर्म पानी होने की वजह से डर्ट कपड़ों में से जल्दी क्लीन होता है और आपको वॉशिंग के रिजल्ट्स और ज़्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। एंड ये वॉशिंग मशीन मैंने कुछ टाइम पहले ही परचेज किया था और कुछ समय से मैं इस वॉशिंग मशीन को यूज़ कर रहा हूँ। तो कैसी ये वॉशिंग मशीन है और क्या इसके फीचर्स हैं, ये सब चीज़ें मैं आज आपको अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब इस वॉशिंग मशीन को हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं और ओपन करने के बाद जो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है इसका रेड कवर, ये वॉशिंग मशीन के नीचे लग जाता है ताकि चूहा वगैरह मशीन के अंदर एंटर करके वायरिंग वगैरह को कट ना कर सके। देन इसके बाद ये इनलेट पाइप मिलता है जिसका स्टैंडर्ड लेंथ होता है 1.25 मीटर का। देन ये ड्रेन पाइप मिल जाता है जो वॉशिंग मशीन के नीचे लगता है जिसके थ्रू वॉशिंग मशीन से सारा पानी ड्रेन आउट हो जाता है। और साथ में एक ये यूज़र मैनुअल बुक मिलती है जिसको आप रीड कर सकते हो, तो वॉशिंग मशीन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस यूज़र मैनुअल के अंदर मिल जाती है। तो इस वॉशिंग मशीन के सारे फीचर्स जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार इस वॉशिंग मशीन का लाइव डेमो परफॉर्मेंस। तो इस मशीन में हम लोग कुछ कपड़ों को वॉश, रिंस और स्पिन करके देखेंगे कि किस तरीके से ये मशीन परफॉर्म करती है, कितना इसमें साउंड और कितना इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। एट केजी सेगमेंट के अंदर आईएफबी ने 2022 के अंदर नया मॉडल लॉन्च किया है। इसके मॉडल नंबर की बात करें तो TLSBRS 8KG Aqua। 720 RPM का स्पीड आपको इस मॉडल के अंदर मिलेगा।
इसकी फिनिशिंग की बात करें तो ब्राउन कलर फिनिशिंग के साथ आपको ये मॉडल मिलेगा। फ्रंट कंट्रोल पैनल डिजाइन आपको इस मशीन के अंदर मिलेगा, तो सारा कंट्रोल पैनल इसका फ्रंट साइड में रहता है। एंड पुश बटन्स के साथ साथ प्रोग्राम सेलेक्टर नॉब भी आपको इसमें मिलेगा, ताकि प्रोग्राम को कंट्रोल करना, उसको यूज करना काफी कन्वीनियंट हो जाता है। ग्लास टिंटेड पेरिसल ग्रे कलर का आपको इसका पैनल का कलर डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगा। तो लुक वाइज ये काफी प्रीमियम लगता है, काफी स्मार्ट लगता है। इनबिल्ट हीटर और व्हील्स आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाते हैं। एंड इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 5-स्टार रेटिंग देखने को मिलती है, जिसके ऊपर इसका वाटर कंजम्पशन एंड पावर कंजम्पशन रिटर्न होता है। इसके वाटर कंजम्पशन की बात करें तो 17 लीटर पर केजी पर साइकिल का है, मतलब फुल लोड के अंदर ये वॉशिंग मशीन 136 लीटर पर साइकिल कंज्यूम करेगी। इसी तरह से इसके पावर कंजम्पशन की बात करें तो 0.013 किलोवाट आवर पर केजी पर साइकिल का है, मतलब फुल लोड के अंदर ये वॉशिंग मशीन 0.104 किलोवाट आवर पर साइकिल कंज्यूम करती है। वॉशिंग मशीन के वारंटी एंड सर्विसेज की बात करें तो 4 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको IFV की वॉशिंग मशीन में मिल जाता है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा वारंटी आपको IFV प्रोवाइड कराता है। इसकी मोटर की बात करें तो 10 ईयर का मोटर वारंटी इसमें मिलता है, एंड 10 ईयर का स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो 100% पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाता है। तो एक बार वॉशिंग मशीन को ओपन करके इसके ड्रम वगैरह भी चेकआउट कर लेते हैं। स्टेनलेस स्टील का ड्रम आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है, जो काफी डीपर है एंड वाइडर है। एंड इसके ड्रम की डिजाइन की बात करें तो क्रिसेंट मून ड्रम डिजाइन आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिलेगा। तो ड्रम की सरफेस पे आप देखेंगे क्रिसेंट मून ग्रूव्स आपको बने हुए दिखेंगे, जिसकी हेल्प से जेंटल वाटर कुशन आपको मिल जाता है अपने कपड़ों के ऊपर। ड्रम के पल्सेटर की बात करें तो ट्रायडिक पल्सेटर डिजाइन आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिलता है, जो कि टफ रहता है डर्ट के ऊपर और जेंटल रहता है क्लॉथ्स के ऊपर। 3D वॉश का फीचर आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिलता है, जो कि डायनेमिक वॉश सिस्टम है। पंपिंग टावर की हेल्प से अच्छी तरीके से वाटर का रोटेशन आपको वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है, तो आपके जितने भी क्लॉथ्स हैं वो प्रॉपर तरीके से पानी के अंदर सोक रहते हैं और डिटर्जेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके हर एक कपड़ों में। एंड इन्हीं पंपिंग टावर्स के ऊपर आपको स्क्रैप पैड्स देखने को मिलेंगे, जिनकी हेल्प से जो स्क्रबिंग का एक्शन है और बेटर हो जाता है, तो यहाँ पर वॉशिंग के रिजल्ट्स आपको और अच्छे देखने को मिलते हैं। लिन टावर फिल्टर आपको वॉशिंग मशीन के ड्रम के ऊपर लगा हुआ मिल जाता है, तो जितना भी लूज माइक्रोफाइबर्स है, फ्लफ्स है या लिंट है, वो इस फिल्टर के अंदर कलेक्ट हो जाता है, जिसको आप निकाल के इजीली क्लीन कर सकते हैं। लिक्विड डिटर्जेंट एंड सॉफ्टनर को स्टोर करने के लिए डिस्पेंसर ट्रे आपको इस वॉशिंग मशीन के ऊपर लगा हुआ मिलता है, एंड साइड में एक स्पेशल ट्रे मिलता है आपको ब्लीच लिक्विड डिटर्जेंट के लिए। हाइड्रोलिक सिस्टम आपको इस वॉशिंग मशीन के डोर पे मिलता है, तो इसका डोर जो है सॉफ्ट तरीके से क्लोज होता है, तो कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी होने का चांसेस आपको इसके डोर के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वॉशिंग मशीन के वॉशिंग प्रोग्राम की। तो डिफरेंट डिफरेंट लॉन्ड्री के हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट वॉशिंग के प्रोग्राम्स इसके अंदर मिल जाते हैं, तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप इनमें से वॉशिंग प्रोग्राम को आप चूज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें माई साइकिल का, जिसके अंदर अपनी फेवरेट सेटिंग्स को कस्टमाइज करके आप इस प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, ताकि बार बार आपको सेटिंग्स को एडजस्ट ना करना पड़े। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर अपना फेवरेट सेटिंग्स को आप स्टोर कर सकते हो। डेलिकेट्स का प्रोग्राम मिलता है आपको डेलिकेट्स क्लॉस के लिए, जिसमें 29 मिनट्स का टोटल्स का साइकिल रहता है। नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें स्टेन फाइटर का, जिसमें आप 44 टाइप्स के स्टेन्स को भी आप रिमूव कर सकते हैं। 1 आवर 59 मिनट्स का टोटल टाइमिंग रहता है। नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें एंटी एलर्जेंस का, जिसकी हेल्प से आप बैक्टीरिया को, एलर्जेंस को इस प्रोग्राम के अंदर डीएक्टिवेट कर सकते हो। स्टीम का साइकिल आपको इस वॉशिंग प्रोग्राम के अंदर मिलेगा, और 2 घंटा 6 मिनट का इसका टोटल टाइमिंग रहता है। नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें जीन्स का, तो जीन्स या डेनिम वाला क्लॉथ्स आप इसमें वॉश कर सकते हो। स्टीम का साइकिल इस प्रोग्राम के अंदर आपको मिलता है, और 1 घंटा 20 मिनट का टोटल टाइमिंग रहता है। नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें बेबी वेयर का, तो बेबीज के या किड्स के कपड़े आप इसमें वॉश कर सकते हो। तो स्टीम का साइकिल आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिल जाता है, और 2 घंटा 14 मिनट का टोटल इसका टाइमिंग रहता है। ब्लैंकेट्स का प्रोग्राम भी आपको इसके अंदर मिलता है, तो कर्टेन्स या बल्कि कपड़ों के लिए आप इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। 1 घंटे 26 मिनट का इसका टोटल टाइमिंग रहता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको एक्सपेक्स 30 का, तो अगर आपके पास कम गंदे कपड़े हैं और कम क्वांटिटी में कपड़े हैं, तो इस वाले प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हो। 28 मिनट का टोटल इसका टाइमिंग रहता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इसमें स्मार्ट सेंस का, तो ये बेसिकली सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है, तो लॉन्ड्री के वेट के हिसाब से मशीन इसका टाइमिंग और सेटिंग्स वगैरह एडजस्ट करती है। देन लास्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इसमें मिक्स और डेली का, तो जितने भी आपके डेली रूटीन के क्लॉथ्स हैं वो इस प्रोग्रामिंग के अंदर आप वॉश कर सकते हो। स्टीम का साइकिल भी आपको इस वॉश प्रोग्राम के अंदर मिल जाता है। वॉशिंग मशीन के मोटर की बात करें तो 465 वॉट का पावरफुल मोटर आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है, एंड 45 kg का नेट वेट आपको इस वॉशिंग मशीन का मिलता है। एंड इस वॉशिंग मशीन की करंट MRP की बात करें तो 32,950 का इसका करंट MRP है। बाकी बेस्ट प्राइसिंग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका परचेस लिंक भी चेक कर सकते हैं, आप चाहो तो उसको वहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो लास्ट में बात कर लेते हैं इस वॉशिंग मशीन के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में।
इनबिल्ट हीटर आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है, तो अप टू 60 डिग्री टेम्परेचर तक आप इसमें हॉट वॉशिंग ले सकते हैं। तो गर्म पानी के अंदर डर्ट जल्दी क्लीन होता है और 99.99% जर्म्स एंड बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो जाता है। पावर स्टीम का फीचर आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है, तो इसमें वॉशिंग साइकिल के अंदर ड्यूल स्टीम साइकिल आपको देखने को मिलते हैं। तो ड्यूल स्टीम साइकिल और 60 डिग्री टेम्परेचर पे हॉट वॉश के कॉम्बिनेशन से और ज्यादा हाइजीनिक रिजल्ट्स आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एक्वा एनर्जी का फीचर आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है, तो एक्वा एनर्जी डिवाइस इस मशीन के अंदर लगा होता है जो एनहेंस करता है डिटर्जेंट के एक्शन को। तो अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है तो इस वॉशिंग मशीन को आप वहां पर प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो एफिशिएंट वॉशिंग के रिजल्ट्स आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ऑटो इम्बैलेंस वाइब्रेशन कंट्रोल आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से वॉशिंग मशीन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्पिनिंग के टाइम पे कहीं पर भी अगर इसका ड्रम इम्बैलेंस होता है तो इसका स्मार्ट सेंसिंग मैकेनिज्म उसको डिटेक्ट करके करेक्ट करता है, तो जिसकी हेल्प से आपको स्टेबिलिटी और बेटर देखने को मिलती है। चाइल्ड लॉक का फीचर मिल जाता है, तो इसके कंट्रोल पैनल को आप चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। ईज ऑफ मोबिलिटी मिल जाती है, तो वॉशिंग मशीन के बॉटम रियर साइड में आपको दो व्हील्स देखने को मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा टिल्ट करके इस वॉशिंग मशीन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। रिंस टाइम सिलेक्शन, सोक टाइम सिलेक्शन का फीचर भी आपको मिलता है, तो कस्टमाइज कर सकते हैं आप इसमें रिंसिंग के टाइमिंग को और सोकिंग के टाइमिंग को। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके की इन फ्यूचर मैं और भी वीडियोज लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।